अपनी वीडियो। सो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके जीनोम्स के स्कोर कैसे मैटर करेगी आपकी ग्रोथ में इन जेनपैक, एंड क्या क्या चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अगर आप न्यू ज्वाइनर हो या फिर ऑलरेडी आप जेनपैक में काफी टाइम से काम कर रहे हो। सो ये कुछ चीजें हैं जीनोम्स के जो आपके प्रमोशन में भी काफी हेल्प करेगी, एंड इसके अलावा आपके वेरिएबल बोनस जो होता है आपको एट द ईयर एंड पे मिलता है उसमें भी काफी हेल्प करेगी। सो जीनोम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कैरियर का अगर आप जेनपैक में जॉब कर रहे हो। जीनोम्स में काफी सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है आपके प्रोसेस से रिलेटेड, लाइक अगर आप अकाउंट टेबल में काम कर रहे हो तो एपी से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज है जीनोम पे, अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड है, इसके अलावा आर टू आर, सप्लाई चेन फाइनेंस, और भी जो भी आपके जॉब रोल्स या प्रोफाइल्स है उन सब से रिलेटेड आपको जीनोम्स पे कोर्स मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आपको एक्सेल से रिलेटेड, आउटलुक से रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड भी कोर्सेज मिल जाते हैं, कुछ कोर्सेज आपको एसएपी से रिलेटेड भी वहाँ पे मिलेंगे। सो ये सारे कोर्सेज अगर आप करते हो जीनोम के साइट पे जाके तो आपका जीनोम्स स्कोर अपडेट होएगा, एंड जब आपके जीनोम्स स्कोर अपडेट्स होते हैं तो ये स्कोर्स आपके एनुअल बोनस में कंसिडर किए जाते हैं। जब आपके मैनेजर्स आपको एनुअल बोनस देंगे एट दैट टाइम आपके जीनोम स्कोर चेक करेंगे आपके मैनेजर्स भी और आपके एचआर भी। तो जीनोम स्कोर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वेरिएबल बोनस के अमाउंट को डिसाइड करने के लिए, बिकॉज प्रोसेस रिलेटेड वर्क हर कोई करता है लेकिन लर्निंग पे आपने कितना फोकस किया ये चीज एक मैटर करती है। इसके अलावा जब आपका प्रमोशन होता है, आप सबको पता है मिनिमम 18 मंथ की ड्यूरेशन होती है प्रमोशन के लिए, 18 मंथ के बाद आपकी प्रमोशन ड्यू हो जाती है, एंड उसका तो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके मैनेजमेंट का आपके ऊपर कितना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उस अकॉर्डिंग वो आपको प्रमोशंस के लिए आगे फर्दर भेजते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेट में क्या होता है वहां पे भी एचआर के पास ही जाता है, एंड फिर फर्दर आपके जीनोम्स के स्कोर भी देखे जाते हैं, बिकॉज प्रोसेस के अलावा आपने कितना अपने लर्निंग के ऊपर आप फोकस्ड हो ये एक मैटर करता है। तो जीनोम्स के स्कोर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, न्यू ज्वाइनर हो, तो एटलीस्ट 100 होने चाहिए आपके जीनोम स्कोर। तो जीनोम स्कोर को कैसे आप बढ़ा सकते हो, देखो आपको मंथली बेसिस पे वहां पे आपको टाइम देना है एटलीस्ट 4 to 5 hours। अब 4 to 5 hours आप एक ही दिन में नहीं दे सकते हो बिकॉज आपके पास आपसे आपके प्रोसेस रिलेटेड वर्क्स भी है, तो आप वीकली बेसिस पे 1 to 2 hours आप उस पर टाइम दो, एंड इस तरीके से करके आप ट्राई करो कि हर मंथ 20 to 30 जीनोम्स स्कोर लेके आ जाओ, जिससे एट द ईयर एंड आपके पास काफी ज्यादा जीनोम स्कोर होगा एंड वो आपके वेरिएबल बोनस में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा। इसके अलावा अगर आपके प्रमोशन ड्यू है तो वहां पे भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन करेगी आपके जीनोम स्कोर। सो जीनोम के ऊपर डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए, आप वहां पे जाओ, अपने प्लान्स आप बना सकते हो बिगनर, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका लेवल है, जिस तरीके की आपके पास लर्निंग है उस अकॉर्डिंग आप वहां पे प्रोफाइल बना सकते हो और जीनोम्स के आप कोर्सेज आप कर सकते हो। मंथली बेसिस पे आपके पास आपके अपडेट्स आते रहेंगे जब भी आपका जीनोम स्कोर अपडेट होगा, या फिर आप अपने जी सोशल पे भी जाके आप अपने जीनोम्स के स्कोर आप चेक कर सकते हो। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है एंड मेरी कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।